वेलकम बैक टू पी एस सी एल चैनल। आईएएस की छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस, टिप्स वाली वीडियोस, 30 सेकंड टू 60 सेकंड आपने मेरी बहुत सारी देखी है और उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो हम किसके लिए बनाएंगे? किसी के लिए भी नहीं, तो आपके बिना हमारी वीडियोज का, लेसन का कोई मतलब नहीं है। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड आई कीप मेकिंग सच वीडियोज टू टीच यू। क्योंकि आप मालूम नहीं कितना दूर बैठे हैं, लेट से कि आप 50-60 किलोमीटर दूर हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से या इंडिया के कहीं इसी भी कोने में बैठे हैं, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड सपोर्ट यू टू क्वालिफाई योर आइलेट्स विदाउट ट्रेवलिंग, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द राइटिंग टूडे। राइटिंग में कुछ मिस्टेक्स हर स्टूडेंट करता है, हर स्टूडेंट। वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे बैंड नहीं बढ़ते, उस कारण से आपके फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, बैंड नहीं बढ़ेंगे। आज वो चार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, विच इफ यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एंड स्टार्ट यूजिंग, हाफ पेन का डिफरेंस आपका सिर्फ इन चार चीजों से हो जाएगा। लेट्स से इफ यू आर स्कोरिंग नाउ 6 तो 6.5 पे इजीली पहुंचोगे। 0.5 का जो डिफरेंस है, इट इज अ गुड स्कोर, इट इज अ गुड डिफरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग कहते हो ना इन माई ओपिनियन, आज से हम इन माई ओपिनियन। मैंने देखा है कई बार राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 में एक या दो बार इन माय ओपिनियन आप लिख देते हो। दो बार क्यों लिखना है, एक बार तो इट इज कंप्लीटली फाइन, व्हाई टू टाइम्स नहीं लिखना। तो उसमें हम इन माय ओपिनियन की जगह हम यूज कर सकते हैं आई वुड आर्ग्यू दैट। इन माय ओपिनियन हम कब लिख रहे हैं, जब कोई टॉपिक दिया है डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन, या जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलने वाला हूं तभी तो लिखूंगा मैं इन माय ओपिनियन, मतलब मेरे ओपिनियन की बात है। इट सिंपली मींस कि मैं किसी ना किसी ओपिनियन को जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, किसी एक ओपिनियन को, या तो स्टेटमेंट को या किसी एक ओपिनियन को से अग्री नहीं करता, आर्ग्यू करता हूं उस पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सम पीपल बिलीव दैट पेरेंट्स शुड नॉट गिव पॉकेट मनी टू द स्कूल गोइंग किड्स। अब यहां पे एक कनेक्टर में लगा हुआ, हाउएवर इन माई ओपिनियन की जगह क्या लिखूंगा, हाउएवर आई वुड आर्ग्यू दैट, मतलब मैं इस से सम पीपल बिलीव दैट से वाले ओपिनियन को आर्ग्यू कर रहा हूं, मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूं, मैं इससे अग्री नहीं कर रहा। तो मैंने इन माई ओपिनियन के बजाय क्या लिखा, हाउएवर आई वुड आर्ग्यू दैट। इसमें दो बेनिफिट हुए, एक तो इन माई ओपिनियन यूज नहीं हुआ जो बहुत कॉमन है, दूसरा एक कनेक्टर यूज हो गया आपसे हाउएवर, जो कनेक्टर का भी आपको बैंड मिलेगा, आप स्कोर अच्छा कर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब ऑल्दो का यूज तो हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बट एक ही ऐसे में ऑल्दो दो बार या तीन बार यूज नहीं करना चाहिए, वन टाइम यूज करना। अब क्या करोगे आप, ऑल्दो आ रहा है बारी बारी, क्या कर सकते हो? उस केस में हम ऑल्दो को रिप्लेस कर देंगे इन स्पाइट ऑफ से। या मुझे ऑल्दो भी समझाने की जरूरत है आपको? नहीं। चलो पहले ये समझ लो अभी कि ऑल्दो को इन स्पाइट ऑफ से कैसे रिप्लेस करते हैं, फिर इन केस आपको डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पर्टिकुलरली ऑल्दो का एग्जांपल्स देके ऑल्दो समझाऊंगा। इसको समझाने के लिए भी ऑल्दो के एग्जांपल तो होते ही हैं। ऑल्दो को यूज करते हैं जैसे हिंदी में कहते हैं हालांकि, यद्यपि, तो ऑल्दो होता है जब एक स्टेटमेंट होती है हालांकि वो उसका भाई है बट उसका एक भी गुण उससे मैच नहीं करता, ऐसे ही ऑल्दो यूज होगा ना। ऑल्दो ही His brother, yet not even a single virtue matches. तो वो क्या हो गया, हम ऑल्दो का यूज करते हैं। हम ऑल्दो को रिप्लेस कैसे करना है, टास्क टू में हम ऑल्दो ऐसे यूज करते हैं, ऑल्दो इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, आई बिलीव एडवांटेजेस आर फार मोर, और एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेज। यहां पे ऑल्दो लगाया ना भाई, हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है फिर भी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज से ज्यादा है। इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं, मैं इंस्पाइट ऑफ का यूज कर सकता हूं। कैसे करना है वो सीखना है। इंस्पाइट ऑफ हायर ट्यूशन फीस, अब मैं ऑल्दो हायर ट्यूशन फीस, इंस्पाइट ऑफ की जगह आप इमेजिन करके देखो कि मैं ऑल्दो लगा रहा हूं, ऑल्दो इंस्पाइट ऑफ इकट्ठा यूज, इकट्ठा नहीं मतलब एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है। इंस्पाइट ऑफ हायर ट्यूशन फीस की जगह मैं ये भी बोल सकता हूं, ऑल्दो हायर ट्यूशन फीस Many young people still choose to study abroad. मतलब वो दोनों
जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, फीस तो ज्यादा है फिर भी लोग जा रहे हैं, तो मैं यहां पे क्या लगा सकता हूँ, ऑल्दो या इंस्पाइट ऑफ, दोनों ही लगा सकता हूँ। प्रैक्टिस करनी है आपको सेंटेंसेस की, मेरी बात सुन ली, उसको एक बार लिख के देख लिया, विल नॉट हेल्प। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो टास्क टू में जब आप फाइनल टेस्ट दे रहे हो तो बहुत इजीली आप लिख पाओगे, अच्छा लिख पाओगे और बिना सोचे लिख पाओगे। दूसरा बिकॉज, तीसरा फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड हुआ, अब हम थर्ड पे आ रहे हैं बिकॉज। अब बिकॉज का यूज बहुत ज्यादा होता है, किसी भी चीज का रीजन बताना है बिकॉज आ जाता है। हाउ मेनी बिकॉज विल यू यूज, यू कैन नॉट यूज मेनी बिकॉज नाउ, सो उस वी विल रिप्लेस बिकॉज बाय ड्यू टू। अब मैंने यहां लगाया ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस मेनी पीपल वर फोर्स टू वर्क फ्रॉम होम, अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं ड्यू टू को, बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस मेनी पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम होम। अब ड्यू टू को मैं क्या लगा सकता हूं, बिकॉज ऑफ, बट अगर बिकॉज लगाऊंगा तो बिकॉज ऑफ आएगा, अदरवाइज ये ड्यू टू आएगा। सिंपल है, एक सेंटेंस और बनाते देखो इसका मेरे साथ आओ, कि बारिश के कारण मैंने रेनकोट खरीदा, बिकॉज ऑफ रेन आई बॉट अ रेनकोट, ड्यू टू रेन आई बॉट अ रेनकोट, ड्यू टू रेन आई गॉट लेट टुडे। तो उसको एक आम भाषा में डेली यूज वाले अगर सेंटेंसेस बना लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको याद रहने लग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि टास्क टू के सेंटेंसेस ही प्रैक्टिस करो, डेली लैंग्वेज के सेंटेंस प्रैक्टिस करो तो उससे लैंग्वेज बेटर होती है, लैंग्वेज बेटर होती है तो टास्क टू इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, डियर्स आसान हो जाएगा वो। अभी हमने यहां पे हाउ ओवर किया था, बट हाउ एवर को भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, कितनी बार हाउ एवर लगा देंगे। अभी मैंने यहां पे आपको ये नहीं बताया हाउ एवर का यूज कैसे करना है, क्योंकि मैंने यहां पे एक हाउ एवर दिया हुआ है। अब इस हाउ एवर को हाउ एवर कैसे यूज करेंगे और बाय कंट्रास्ट कैसे करेंगे, दो चीजें सीखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखो इसका, इन इंडिया प्यूपिल, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट, अब प्यूपिल हम कभी भी किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अडल्ट्स के लिए नहीं लगाते, किसके लिए लगाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, वन हु इज स्टडिंग, उसके लिए नहीं लगाएंगे जो पढ़ नहीं रहे, वो बच्चे होंगे, वो किड्स होंगे, वो चिल्ड्रन होंगे, राइट, वो अगर छोटे बच्चे हैं ग्रो कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, अगर फैमिली के साथ हमने कोई बात करते हैं बच्चे तो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, पर यहाँ पे हम प्यूपिल का यूज करते हैं। प्यूपिल पे अराउंड 2 to 3 lakhs पर ईयर टू गो टू यूनिवर्सिटीज, बाय कंट्रास्ट। अब देखा ऊपर वाले में मैंने कहा था कि मैं इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं तो हाउ एवर लगाया, अब यहां पर मैंने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया कि 2-3 lakh rupees वो यूनिवर्सिटीज पे खर्च करते हैं, पीपल पे अराउंड 2 to 3 lakhs पर ईयर हर साल टू गो टू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बाय कंट्रास्ट इसकी जगह मैं हाउ एवर भी लगा सकता हूं। हाउ एवर स्कॉटिश स्टूडेंट्स आर फुली सब्सिडाइज्ड, सब्सिडाइज्ड मतलब वर्ड को समझो, मैंने एक चीज सिखाई उसके साथ सब्सिडाइज्ड आ गया, सब्सिडाइज मतलब उनकी जो फीस है वो सब्सिडी, हमारे इंडिया में क्या मिलता है, सब्सिडी बंद कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, इस पे आगे नहीं करेंगे कि सही किया या गलत किया, वो एक अलग कन्वर्सेशन हो सकती है उसकी। अब सब्सिडी मिलती है हमें, पहले मिलती थी एलपीजी पे, आज भी मिलती है 11-12 रुपये, चॉकलेट तो आती है 10 वाली, तो सब्सिडी मिलती थी पहले, फ्यूल पे सब्सिडी मिलती थी हमें, पेट्रोल और डीजल दोनों पे सब्सिडी मिलती थी, अब नहीं मिल रही। सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट पे कर देती है, मतलब कोई चीज 100 की है बट हमको 50 की मिली, कंपनी को उसके पास 100 ही मिला क्योंकि 50 गवर्नमेंट ने पे कर दिया। ऐसे ही स्कॉटिश में मतलब जो स्कॉटिश स्टूडेंट्स हैं उनको पे नहीं करना पड़ता क्योंकि उनको स्टूडेंट्स आर फुली सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है। एक अच्छा वर्ड है सब्सिडाइज, यूज कर सकते हो, सब्सिडी वर्ब नहीं है और सब्सिडाइज वर्ब है, ठीक है। अगर मैं कहूं आई विल सब्सिडाइज दिस मतलब मैं इसके ऊपर सब्सिडी दे दूंगा, तुम्हें पे नहीं करना, सारा कुछ मैं पे कर दूंगा, अब समझे। हाउएवर बाय कंट्रास्ट, जब दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तब बाय कंट्रास्ट आप टास्क वन में भी लगा सकते हो,
जैसे BP1 लिखा आपने इंक्लाइनिंग ट्रेंड के लिए, बढ़ते हुए ट्रेंड के लिए, BP2 जब लिखना है तो बाय कंट्रास्ट से शुरू हो जाएगा, वहां पे हाउएवर से शुरू मत करना, वहां पे बाय कंट्रास्ट से शुरू होगा, क्योंकि हाउएवर के लिए हमें दो स्टेटमेंट चाहिए, बाय कंट्रास्ट के लिए दो स्टेटमेंट नहीं दो पैराग्राफ भी अपोजिट होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इसका ना आप देखो, अभी ये पूरा आपको मिल रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोन पे ही तो हुआ, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको एक फायदा होगा, जूम करके देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। आप कहोगे सर आजकल तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है और आप ये कर रहे हो, भाई आई लव दिस, इस पे पढ़ाते हुए तो मजा आया, डिजिटल बोर्ड तो टेक्नोलॉजी है, कैसे भी यूज कर लो उसको, हम इस पे कराएंगे आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू एंड गाइड यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो और यू डिसलाइक द वीडियो, दोनों ही कमेंट में बता देना। थैंक यू।